आज की बात अयोध्या राम मंदिर लोकसभा। तो भाई साहब, ये ना काफी जो है वो चैनल जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि राम मंदिर की जो है छत से पानी टपक पड़ा, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब बनाया गया, तो काफ़ी जो है वो चीज़ें जो है वो अपोजिशन वाले उछाल रहे हैं। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिप्लाई कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। एक बार फिर बात करते हैं ब्रजेश प्रसाद पासी की। आज उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है और ये सीधे सीधे करप्शन का मामला है। अवधेश प्रसाद ने कहा बीजेपी ने राम के नाम पर चुनावी प्रचार किया, अब भ्रष्टाचार सामने आ गया है। वो 29 जून को अयोध्या जाएंगे और सारे मामले को देखेंगे और भगवान राम के नाम पर करप्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन करवा कर ही दम लेंगे। रामपद के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी लूट हुई है, उसका खुलासा हो गया। बरसात अभी पूरी नहीं हुई है, बरसात की तो भी शुरुआत हुई है ना, लेकिन बताया गया जगह जगह गड्ढे हो गए, खतरनाक गड्ढे हुए, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है। और ये तमाम बातें, यहाँ तक कि रेल का जो दीवार थी गिर गई, यहाँ तक बताया जा रहा है कि वो छत से पानी गिर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। लोगों घरों में पानी जा रहा, मंदिर में पानी जा रहा, ये तो प्रचार था, मोदी जी का प्रचार था, अयोध्या का नाम प्रचार था, अयोध्या का नाम राजनीति थी, अयोध्या का नाम व्यापार था, वो सब खत्म। जिन लोगों ने राम के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी किया है, उनके खिलाफ कानून के तहत दायरे में लाकर कड़े से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करूंगा। अयोध्या के सांसद ने जो कहा उसका कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया। कांग्रेस इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने का खुलासा तो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है, आपको ये नहीं कह सकता कि इल्जाम झूठा है या सियासी है। आप सोच सकते हैं आप, जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए, भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा, और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते, जब पूरा जीवन उन्हें लगा दिया, उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में अब छत से पानी टपक रहा है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं, राजनीति हो रही है। ये बात सही है कि कल रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दावा किया था कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा है। उन्होंने कहा था मंदिर में कुछ जगह सीपेज है, सीलन आ रही है। इसके बाद मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपिन मिश्रा ने इस मामले की सच्चाई सामने रखी, लेकिन अफवाहों का दौर जारी रहा, राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। तो आज नृपेंद्र मिश्रा खुद राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, पूरे मंदिर का इंस्पेक्शन किया, शिकायतों की जांच की, और इसके बाद कैमरे के सामने आकर नृपेंद्र मिश्रा ने पूरी बात बताई। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर की छत में कोई लीकेज नहीं है और राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा यह सही है कि राम मंदिर के गुरु मंडप में जहां खड़े होकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करते हैं, छत पर कुछ सीपेज दिखाई दिया, लेकिन ये सीपेज स्ट्रक्चर की कमी के कारण नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने समझाया मंदिर के दूसरे तल का काम चल रहा है, इसलिए मंडप की ऊपर वाली जगह अभी खुली है, खुली जगह से थोड़ा बहुत बारिश का पानी आया। इसके अलावा पहली मंजिल पर बिजली के तारों के लिए जो पाइप डाली गई है वो भी अभी ओपन है, इसलिए उस पाइप के जरिए बारिश का थोड़ा पानी छत तक आ गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छत लीक कर रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है।
राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं है। हर महीने रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स इसकी जांच करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुक गया। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, क्योंकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया, तो कुछ जगहों पे उसके जरिए गया। लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। लाखों लोग रोज रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचते हैं, इसलिए विरोधी दलों को राम मंदिर पर राजनीति करने में मजा आता है। पहले प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर राजनीति हुई, फिर इस समारोह में किसे बुलाया गया इस पर सवाल उठाए गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भ्रम फैलाया गया, अयोध्या का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई, इसे भी राम मंदिर से जोड़ा गया, और अब राम मंदिर में छत से पानी टपकने की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि राम मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, सेकंड फ्लोर बनना बाकी है, गुंबद बनना बाकी है। ऐसे खुले में अगर पानी टपक गया तो कौन सा अनर्थ हो गया। नृपेंद्र मिश्रा ने अच्छा किया, खुद जाकर मुआयना किया, जांच की और सारी बात डिटेल में सबके सामने रखी। और यह सबके लिए संतोष की बात है कि न तो छत में से किसी तरह का कोई लीकेज है और न राम मंदिर के कंस्ट्रक्ट में किसी तरह की कोई कमी है। वीडियो खत्म हो गई भाई। मंदिर की जो शुरुआत में तस्वीरें दिखाई थी उसमें लीकेज तो दिख रहा था, और रजत शर्मा खुद कई दफा बोल रहे हैं कि भाई लीकेज लूकेज नहीं हुई है, टपक गया तो कुछ नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये थोड़ी सी बात उनकी समझ में गोल मोली कर गए। लेकिन भाई सही बात है कि कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, बिल्कुल, तो साफ तरह के वो लीक हो भी जाए तो इतनी दिक्कत वाली तो बात नहीं। अभी याद होता ना, इस तरह होता है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में एक न्यू एयरपोर्ट बनाया गया 2021 में, वो तारिक साहब जिस दिन वो बन गया ना, इफ्तिताह करने अचानक से बारिश आ गई और वो छत इस तरह चोरे लागी जाए, छत बनी ही नहीं, किसी तरह रुक के थे बंदा बैठा होता, वो इस तरह पानी अंदर आ गया। तो आवाम को वहाँ गवर्नमेंट की पोल खोल गई, ठेकेदार को बुलाया गया कि अभी तक इफ्तिताह करने आए थे, ऊपर से बारिश आ गया, आपकी पोल खुल गई। तो यार यहाँ पे ये तो भाई उस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा सीमा होनी है। भाई साहब एयरपोर्टों की छतें गिरी हुई हैं, वो एक दो बंदे भी मर गए इंडिया में वो अलग मजा है। बात सिर्फ मंदिर राम मंदिर की, इसमें पानी नहीं भाई टपक रहा, यहाँ पे ये थोड़ा सा लीकेज हुआ, लेकिन अभी काम हो रहा है। हाँ ये बात मुकम्मल हो जाता, बाद में अगर कुछ होता फिर सवाल उठाने का हक बनता था। बाकी जिस तरह मोदी ने क्रेडिट लिया ना रोज अयोध्या मंदिर का वोट लेने के लिए, इसी तरह अपोजिशन वाले या जो बंदे भी आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज हुकूमत उठा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मंदिर तो अभी बन रहा है, अभी तक मुकम्मल बने ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ अपोजिशन वाले ना वो बातें बना रहे हैं, बिल्कुल इसमें भाई कोई है बात ही कोई नहीं भाई, इसमें मुद्दा बना रहे हैं कुछ नहीं। छत गिर गई है, क्या हो गया, याद हो पानी थोड़ा बहुत नीचे गिर गया है, जब पानी जिसे बाढ़ गिर गया है नाले से नीचे आता है ना, इस तरह अगर कुछ छत के अंदर आता तो मानते हैं वो रहे हैं भाई साहब। पता है क्या, जब हमने लंटर डाला था ना उसमें पैप डालते हैं,
तो कोई पैर ऊपर रह गया होगा, साफ जा रहा है कि बिजली का काम कहीं ना कहीं कुछ, तो कहीं से वो पानी आ रहा है, पर वो पानी आ रहा है वहां पर वैसे लाइटों के लिए डेकोरेशन के लिए बिजली की तो वैसा जरूरत है। हां तो वहां से वो पैर के जरिए नीचे पानी थोड़ा सा आ गया, आ गया होगा। तो इसमें अब वो मिनिस्टर कोई है वो जाके देख रहे हैं और बाकी भी उसको भी मुरम्मत हो जाएगी। ठीक है, अभी काम चल रहा है, कौन सा मुकम्मल बन गया है अभी तक तो चल रहा है काम उसका भाई। लेकिन अगर भाई साहब यहाँ पे एक और चीज कहना चाहते, अगर खराबी हुई है तो भाई साहब ठेकेदार को धरना जरूर चाहिए, क्योंकि जो क्लेम करे ना कि 1000 साल तक रहेगा, ये अभी से ये अगर पहले तो बारिश शुरू हुई है, ये बोले जो मिस्त्री है ना ठेकेदार जो है जिनको दफ्तर में काम है ये उसकी गलती है फिर अगर ये वो तो धरना चाहिए ना अगर वो खराबी हुई है तो। बिल्कुल ठीक है, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हर बंदे ने तकरीबन हिंदुस्तान के कई लोगों ने पैसे दिए चंदे से अच्छा, और वो पैसे सही जगह पे लगने चाहिए ना। ये मंदिर बन रहा है, इबादत गाह है, हर कोई बंदा शौक से देगा पैसा जितने की इसकी हिम्मत ताकत है, ऐसे ही है ना। तो फिर ठेकेदार अगर इस तरह कोई मसला अभी तक तो वाक्य अगर ठेकेदार वाक्य कुछ है तो फिर ठेकेदार को पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए, अभी काम खत्म नहीं हुआ, उसका काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सीधी बात तो ये है। काम चल रहा है, कहीं ना कहीं से पानी तो टपक ही जाना है। जब बाकी ऑपोजिशन का काम है भाई मुद्दा बढ़ाना, मुद्दा उठाना, वहां को पूछिए वहां गवर्नमेंट के खिलाफ करना। लेकिन भाई साहब जो एयरपोर्ट के जो जो छत गिरी है वो भाई साहब उसको धरना चाहिए, वो तो वादा हो जो नए रोड बने वो 10 के नीचे जो अंडरपास में पानी इतना खड़ा हुआ है अंडरपास, वो भाई साहब वो ठेकेदारों की खामी है भाई। तो ठीक है भाई, इसमें भाई एक और भी चीज है, कोई दोरी राय नहीं कि ये ठेकेदार जो है वो घोटाले करते हैं भाई साहब, दबा के करते हैं। बिहार में एक वो थोड़े अरसे में ही मैं कहता 4-5 ब्रिजें गिर गई तेरे गाँव के अंदर, गिरने का मैं कहता हूँ गढ़ है हमारे गाँव के अंदर, पीसी जो बनी थी ना उसमें मिलावट नहीं हुई यार, करते ठेकेदार ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में सभी ठेकेदार करते, हमारे गांव में पीसी जो डाली गई उसमें भी कपला मारा गया है, ये ठेकेदार कर लेते हैं भाई। ये तू कुछ समझा क्या समझा तू कि ठेकेदार भाई साहब माफी नहीं छोड़ देते वो पैसा कमाने के लिए, पैसा ही नहीं समझा तू भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।